प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। दिल्ली से मुंबई तक बनने वाली एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। 247 किलोमीटर लंबे पहले फेज में 8 लेन हैं। पहले फेज के आरंभ होने पर दिल्ली से जयपुर जाने में समय तो पहले के मुकाबले ज्यादा बचेगा, साथ ही यात्रा भी काफी आरामदायक होने वाली है। दौसा में हाईवे के उद्घाटन में पीएम मोदी ने कहा है कि ये विकसित होते भारत की भव्य तस्वीर है। जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं तो देश के प्रगति को गति मिलती है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पिछले 9 साल से इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर बड़ी रकम खर्च कर रही है। इस साल के बजट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली दौसा लाल सोट के बीच इस हाईवे से जयपुर से दिल्ली जाने का टाइम आधा हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की तस्वीर बदल देंगे। यह एक्सप्रेसवे बंदरगाहों, लॉजिस्टिक पार्क को कई राज्यों से जोड़ेगा। ये देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष है, जब ये तैयार हो जाता है तो किसान, स्टूडेंट, व्यापारी सभी को अनेक सुविधाएं मिलती हैं। आपको बताते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लाल सोट सेक्शन 247 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा समय 5 घंटे से कम होकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा। इस सेक्शन के खुले जाने से पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। उद्घाटन के बाद से ही रविवार को ही इस एक्सप्रेसवे को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इस हाईवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन भावना टाइम्स।